इस अभिभाषण पर माननीय सभी कांग्रेस पार्टी के विधायकों का भी भाषण सुन रहा था, तो सभी विधायक, लगभग सभी विधायक जैसे चुनाव में भाषण देते हैं ऐसे भाषण दे रहे थे, सदन में बोले ऐसा नहीं बोल रहे थे। मैं आपका ध्यान इस अखबार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो 28 तारीख को भास्कर में छपा है, पोषाहार नहीं पशु आहार, बच्चे बीमार न हो जाए इसलिए जानवरों को डाल रहे। राजस्थान में पशु आहार जो पोषाहार जो आंगनवाड़ी के बच्चों को दिया जाता है, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, उसका ये हाल है। मैं बहुत जोर से ये बात यहाँ पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की गई है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आप जब धरातल पर जाएंगे तब देखेंगे कि जांच हो गई कि इसका ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन करने के लिए सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में निजी चिकित्सालय में भर्ती कर लिया जाता है और उनका 20-20 दिन 25-25 दिन तक ऑपरेशन नहीं होता और उसके बाद ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन होने के बाद वो जब घर पे जाएगा उसके घर पे जो भी दवाई चलेगी वो उसको निजी पैसों से लानी पड़ेगी। चिरंजीवी योजना में वो अभिमत नहीं है, उसको जेब के पैसों से लानी पड़ेगी। इसी तरह का ये RGHS है जो हम पर भी लागू है, कर्मचारियों के साथ साथ में उसकी सुविधा का लाभ हमें भी मिलता है, लेकिन हम जब डॉक्टर को बता दिया, चेक करा दिया, इलाज करा दिया, वो सब कुछ तो हो गया उसमें, और उसके बाद जो दवाई, कई सारी दवाइयाँ जो लाइफ लॉन्ग चलेगी, उम्र भर चलेगी, वो दवाई हमको जेब के पैसों से लानी पड़ती है। और इसके बजाय अगर राजस्थान सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू की होती तो कल जैसे हमारे गर्ग साहब ने बताया था कि जो प्रवासी राजस्थानी है उनको भी उसका लाभ मिलता आयुष्मान भारत का, और जो नज़दीक है बॉर्डर पे राजस्थान मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर जो लोग हैं उनके उदयपुर जयपुर ऐसे अस्पताल में आना और दूर पड़ता है, और जबकि दूसरे राज्यों के जो अस्पताल हैं वहाँ जाना नज़दीक पड़ता है, लेकिन वहाँ पर चिरंजीवी योजना राजस्थान में लागू होने की वजह से उनको ये लाभ नहीं मिलता। बिजली की बात करें तो बिजली में कई बार इस साल कई जगह कई लोगों ने ज्ञापन दिए, काश्तकारों ने ज्ञापन दिए, धरना दिया, प्रदर्शन किया और बिजली की मांग की कि हमको दिन में बिजली दी जाए। अभी बिजली का एक सर्किट रात को 10 बजे से 3 बजे तक चलता है, रात को 10 बजे से 3 बजे तक, और जो दिन में दो फेज में दो बार दिन में दी जाती है उनमें भी घंटा दो घंटा यहाँ पर बंद कर दी जाती है तो उससे आगे खिसकता खिसकता वो सर्किट भी रात में चला जाता है। किसानों का मेरा अभी निवेदन है कि इसको दिन में बिजली दी जाए। और सड़कों की बात करते हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि राजस्थान की सड़कें ऐसी है, उनको मेरी विधानसभा में आकर के देखना चाहिए, बड़ी सादड़ी विधानसभा में, कि 25 लाख रुपया सिर्फ एक सब डिवीजन में दिया जाता है पेच वर्क के लिए, रिपेयरिंग के लिए 25 लाख रुपया सिर्फ, उससे कुछ नहीं होता, सड़कें सब ऐसी की ऐसी क्षतिग्रस्त है। और मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि मेरी विधानसभा में इन 4 वर्षों में रिकॉर्ड देख लें, PWD मंत्री यहाँ पर हो तो रिकॉर्ड निकाल करके देख लें कि कौन सी राज्य सरकार के पैसों से कौन सी सड़क नहीं बनी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी होगी, नवीनीकरण किया होगा कुछ, और गई बजट योजना में घोषणा में एक सड़क है जो 75% मेरी है, 25% प्रतापगढ़ वालों की है, लेकिन वो भी अभी तक शुरू नहीं हुई है, धरातल पर नहीं आई है। 10 करोड़ रुपए की बात करी थी गत वर्ष के, 10 करोड़ रुपया एक एक विधायक की अनुशंसा पर देंगे, मेरी विधानसभा में उन 10 करोड़ में से एक भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। नगर पालिका बड़ी सादड़ी है मेरे अंदर, नगर पालिका बड़ी सादड़ी की देखे 10 किलोमीटर उस साल करनी थी, 15 किलोमीटर उस साल करनी थी, लेकिन अभी तक वो 10 किलोमीटर तो हो गई लेकिन उसके बाद की 15 किलोमीटर की सड़कें नहीं हुई। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर मजदूरी करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं और शाम के समय आजकल हर थाने के बाहर पुलिस की जीप खड़ी रहती है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है वो मजदूरी करने के लिए गया, वो हो सकता है 3 सवारी हो उस पर, मजदूरी करने के लिए जाते हैं एक साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाते हैं, उसको भी रोका जाता है और उनसे 100 रुपया और 200 रुपये का चालान बनाया जाता है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी कोई कार वालों ने उससे 1000 रुपये का चालान फाड़ा जाता है रोज हमेशा। ये कौन सी नाकाबंदी अपराधियों को पकड़ने के लिए हो सकती है लेकिन ऐसी नहीं हो सकती। और खाद के लिए किसान रात में तो पाणत करता खेत में और दिन में खाद लेने के लाइन में लगता है, यूरिया उसको समय पर मिला नहीं, लाइन में लग करके उसको यूरिया मिला। अभिभाषण के बिंदु संख्या 21 पर लिखा है निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व गांव में एक एक स्वास्थ्य मित्र की सेवाएं उपलब्ध होकर कुल 82,956 स्वास्थ्य मित्र का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है, लेकिन मेरे यहाँ पर एक भी नहीं,
ग्राम पंचायत नहीं, पंचायत समितियां नहीं, उनके भवन के लिए जमीन आवंटित हो गई लेकिन बजट आवंटन किया नहीं उनको, दूसरों के भवन में, दूसरे भवनों में वो चल रही है, राजकीय भवन उनका बना नहीं। अभिभाषण की बिंदु संख्या 25 में आपने लिखा है कि 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रक्रियाधीन है, इन सभी कॉलेजों की 40% हिस्सा राशि राज्य सरकार वहन कर रही है, इसमें यह भी लिख देते कि बाकी की 60% भारत सरकार दे रही है, आपने नहीं लिखा। बिंदु संख्या 47 में आपने लिखा है कि प्रदेश को 16 जिलों में किसानों को दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, 14 जिलों में अप्रैल 2023 से दिन में कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति किया जाना लक्षित है। राजस्थान में कुछ मांग है जो बजट अब पेश होना है, माननीय मंत्री महोदय ध्यान दे थोड़ा सा, कि बड़ी सादड़ी में 2004 से एडीजे कोर्ट की का कैंप चल रहा है, इसको स्थायी एडीजे कोर्ट की स्थापना की जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलवाड़ बांसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए, डुंगला और बड़ी सादड़ी CHC को क्रमोन्नत किया जाए, पाल और मांडकला दो पंचायतों के लगभग 7,000 व्यक्ति निवास करते हैं जो सीता माता अभ्यारण्य में आता है, यहाँ पर विद्यालय है, उपस्वास्थ्य केंद्र है लेकिन बिजली लाइन से एवं सड़कों से वंचित है। मेरा निवेदन है कि यहाँ पर WBM सड़कें बन जाए, कम से कम डामर नहीं कर सकते अपन तो। जनता जल योजना है, पंचायती राज विभाग से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है, इसमें कार्यरत कर्मचारियों को जो बरसों से कार्यरत है इन्हें नियमित किया जाए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कार्यरत संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर को नियमित किया जाए। CHA जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कोविड में लोगों की सेवाएं की थी, 28,000 है पूरे राजस्थान में, इन्हें वापस किसी न किसी पद पर लिया जाए। बड़ी सादड़ी में एक कॉलेज है, वहाँ पर एक भी स्थायी कर्मचारी नहीं है, विद्या संबल योजना में जो है वही पढ़ा रहे हैं। फसल बीमा योजना अंतर्गत पाले में जो पाले से नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई नहीं होती, उसको भी भरपाई किया जाए। पोषाहार योजना में पूर्व में जो सप्लायर थे उनका भुगतान बकाया उन्हें भुगतान दिया जाए। बिजली कंपनियों में संविदा कार्यरत प्राइवेट कंपनियों का मानदेय बहुत कम है, इन्हें परमानेंट किया जाए। नंदीशाला एक नहीं खुली, जनता क्लिनिक नहीं खुला और डोडा चूरा 4 वर्ष से सरकार ने नष्ट नहीं कराया और अभी एक ऑर्डर निकाल दिया राजस्थान सरकार ने कि 4 साल का एक साथ नष्टीकरण किया जाए, वो टिकता नहीं है, वो नष्ट हो चुका है पहले से। और DMFT में 2018 में मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत 5 सड़कें जो अधूरी है उनको भी पूरी की जाए। और यहाँ पर एक बात बार बार की जा रही है, एक मिनट सभापति महोदय, यहाँ पर बार बार बात की जा रही है कि हमारे मुख्यमंत्री का विजन कि कोई भूखा नहीं सोएगा, हमें सदन को माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़, जय बड़ी सादड़ी।